गॉडजिला द कॉन्ग द न्यू एम्पायर, गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे इस फिल्म के बारे में कमेंट्स में रिकमेंड करने को बोला था। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो फिल्म है, इसको जब ये वीक में जो आ रही है, आ चुकी है बाय द वे, बॉलीवुड की जो फिल्में हैं ना, उन पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। एक ऐसी फिल्म है, देखो लोगों का अट्रैक्शन इस फिल्म की ओर बहुत अच्छा है। अगर आपने इसको पहले से ही फॉलो किया है देन यू विल लव इट। पर हाँ, ऑब्वियसली यह हर एक के लिए नहीं है फिल्म। आई मीन इफ़ यू लव हॉलीवुड मूवीज़ देन दिस इज़ फॉर यू। मूवी मुझे ओके लगी, इट्स नॉट लाइक बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, अगर मैं इससे पहले वाली भी फिल्मों की बात करूँ, देखो जितना ज़्यादा मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग स्पाइडरमैन वगैरह का फ़ैन हूँ, उतना ज़्यादा इन फिल्मों का नहीं हूँ। बट फिर भी कुछ फिल्में हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, तो ये भी उसी के आप कह सकते हो कि ये टॉपिक है जिसको मैं फॉलो किया हूँ। हाँ, कुछ जगह पे ये फिल्म आपको कहते हैं ना कि एक तरीके से एंटरटेनमेंट बनाए रखेगी, पर स्टोरी वाइज मुझे ओके लगी यार। इट्स नॉट लाइक कि मतलब जिस तरीके से लोगों ने इसका हाइप बना के रखा है, नो डाउट। देखो फिर भी मैं उतना ज़्यादा हॉलीवुड लवर हूँ नहीं। मे बी वन ऑफ द बिग रीज़न यही है क्योंकि मैंने बाकियों के भी रिव्यूज़ देखे। ऐसा नहीं कि नहीं, उनके रिव्यूज़ में मे बी एक तरीके से वो बोलते हैं ना कि हॉलीवुड मूवीज़ जो लोग बहुत से यूट्यूबर्स वगैरह पसंद करते हैं, तो उनमें एक जोश है कि भाई बात करने का इस मूवी को लेके। इट्स लाइक कि पता नहीं क्यों, बट देखो अपना अपना चॉइस होता है। मैं ऐसा पर्टिकुलर रीज़न भी नहीं दे सकता कि मैं क्यों ओके बोल रहा हूँ। मैं 5 में से 3 रेटिंग दूंगा। बट फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ फिल्में ओवर रेटेड होती है, या फिर हमारे प्यारे यूट्यूबर्स या फिर जो भारतीय है उनको हॉलीवुड फिल्मों को शायद बहुत ज़्यादा हाइप करने में मज़ा आता है। स्टोरी वाइज ठीक है बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी नहीं है। बट यार अब ये मत बोलो यार, तुम्हें क्या पता हॉलीवुड का क्या होता है, ये है वो है। देखो भाई मैं, और फिर तो भाई ये हो गया ना कि मैं आपके हिसाब से दूँ रिव्यू, ये हो गया ना। मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे ओके लगी। मैं ये बोला ही नहीं कि मुझे बुरी लगी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक तरीके से हाइप बहुत बनाई जाती है भारत की तरफ से हॉलीवुड फिल्मों की। बस मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। एक बार और ट्रेलर के वक्त मैंने इस स्टोरी के बारे में ऑलरेडी बात करी है, तो वापस उस स्टोरी पे हम बात करके कोई फ़ायदा है नहीं। बट देखो आप लोगों पर है, यू कैन एन्जॉय। जो हॉलीवुड लवर है, जो इन फिल्मों के फ्रेंचाइज को लेके हैप्पी है, वो डेफिनेटली दे विल लव दिस फिल्म, नो डाउट। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, बताइए।